शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से कैसे ले पाओगे अपनी रिहाई मिस्टर अभय त्रिपाठी? इस फाइल के मुताबिक तो तुम्हें जीवन भर इस जेल की दीवारों को देखते रहना पड़ेगा। अपने घर की दीवारों के बारे में तो भूल ही जाओ। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? वैसे बहुत सारी बातें थी जो मैं इसमें डाल सकती थी, लेकिन फिलहाल इतना काफी है तुम्हें उम्र कैद की सजा दिलवाने के लिए। अपने बदले की आग में आप इतनी अंधी हो गई कि अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाते हुए एक निर्दोष को सजा देंगे। जिस कानून का गलत फायदा उठा रही है ना, उसी कानून पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक निर्दोष को सजा नहीं होने देगा। जितना कोशिश करना कर लीजिए, पर श्रद्धा असली कातिल को ढूंढ के रहेगी। मैं भी देखती हूँ कि एक रात में श्रद्धा क्या कर लेती है। कातिल चाहे जो भी हो, सजा तो तुम्हें ही होगी। हे भगवान, श्रद्धा को बस असली कातिल का सुराग मिल जाए, कुछ तो उम्मीद बनेगी। जा सकती है, घर में किसी को मिल गई तो बचा ला जाएगा। घर भी कहाँ जा सकती है? मुझे कुछ भी करके उसे ढूंढना ही होगा। कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रहे वरुण जी? शिकन तुम्हारे पास? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी वरुण जी कि मुझे ये सवाल आपसे पूछना पड़ेगा, लेकिन अब आप मुझे सिर्फ सच बताएंगे। क्या इस गन से राज का खून आपने किया है? श्रद्धा, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई। गलत या सही नहीं जानना है मुझे आपसे, मुझे आपसे सिर्फ सच जानना है। मैं जानती हूँ ये आपकी गन है, तो मुझे सच सच बता दीजिए वरुण जी, क्या इस गन से राज का कत्ल आपने किया था? बोलिए वरुण जी, क्या इस गन से राज का कत्ल आपने किया था? आपने मारा राज को? बोलिए वरुण जी। देखो श्रद्धा, हाँ श्रद्धा, ये गन राज को मारने के लिए मैंने ही खरीदी थी। उसकी वजह थी श्रद्धा, मेरा दिल और दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था उस दिन जब मैंने कीर्ति को राज की बाहों में देखा।
और जैसे राज ने मुझे मारा और कीर्ति वहां खड़ी होकर देखती रही, उस दिन अपनी नजरों में मेरी इज्जत, मेरा प्यार, मेरा विश्वास सब चूर चूर हो गया और मेरे मन में बच गया सिर्फ गुस्सा। गुस्सा क्यों? उस आदमी ने एक ही झटके में मेरा पूरा परिवार तोड़ दिया। मेरा परिवार, मेरा प्यार, मेरा गुरूर सब छीन लिया मुझसे। उसी दिन मैंने फैसला लिया कि मैं उसे मार दूंगा। मैंने किसी की मदद से एक गन खरीदी राज को मारने के लिए। पर मैंने राज को नहीं मारा। पर मैं अपने उस गुस्से से, उस पागलपन से बाहर आ गया था। मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता, मैंने राज को नहीं मारा। एहसास हो गया था मुझे मेरे अपने ही रिश्ते में खोट हो तो फिर बाहर के आदमी को मार के क्या ही फायदा होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है वरुण जी, मैं क्या करूं? अदालत में सुनवाई है और अब तक मुझे नहीं पता कि कातिल कौन है और ना ही मेरे पास समय की बेगुनाही का कोई सबूत है। पता नहीं कल क्या होगा अदालत में, मुझे समझ नहीं आ रहा। सबूत है योर ऑनर। पिछली सुनवाई में हमें पता चला था कि पुलिस को जो गन बरामद हुई है उससे दो गोलियां चली। एक गोली दीवार में लगी थी और दूसरी मिस्टर राज को लगी थी, लेकिन उस गन से दूसरी गोली मिस्टर राज को नहीं लगी, सोफे पर लगी थी। और ये है सबूत, गोली के निशान की फोटोज। योर ऑनर, मेरे पति ने राज को नहीं मारा है, उन पर गोली किसी और ने चलाई है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है योर ऑनर, पुलिस द्वारा कार्यवाही को और तेज किया जाए असली कातिल को पकड़ने के लिए, क्योंकि इस केस में तो मेरे क्लाइंट मिस्टर अभय त्रिपाठी निर्दोष हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये बातें एक अंदाजा हो सकती हैं, लेकिन सबूत नहीं। हो सकता है कि पहले वाली बंदूक से चलाई गई गोली में से एक गोली दाईं तरफ की दीवार पर लगी हो और दूसरी गोली बाईं तरफ के सोफे पर लगी, और दूसरी चलाई हुई बंदूक से लगी गोली से ही मिस्टर राज सिंघानिया का खून हुआ। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि दूसरी बंदूक से चलाई गई गोली जाकर सोफे में लगी हो और पहली चलाई गई बंदूक से ही राज सिंघानिया जी का खून हुआ। मैं फिर इस बात को साबित करने के लिए मिस निशा को दोबारा कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। जाइए सर। थैंक यू। मिस निशा, आप अदालत को ये बताइए कि उस रात हुई बर्थडे पार्टी में मिस्टर अभय त्रिपाठी ने मिस्टर राज सिंघानिया को क्या धमकी दी थी? अभय ने कहा था कि वो राज सर को जान से मार देगा, और वो भी उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा था। पर वो तो अभय ने गुस्से में कहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ही किया है। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, अभी आप बैठ जाइए। इंस्पेक्टर किरण माथुर, प्लीज वो फाइल कोर्ट में पेश कीजिए। बहुत सारे
सारी बातें थी जो मैं इसमें डाल सकती थी, लेकिन फिलहाल इतना काफी है तुम्हें उम्र कैद की सजा दिलवाने के लिए। मिस्टर अभय त्रिपाठी ने उस रात जो कुछ भी कहा था वो गुस्से में कहा था, क्योंकि इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, यहाँ तक कि ये गुस्से में अपना होस्ट खो बैठते हैं। जज साहब, आपके सामने जो फाइल मौजूद है उसमें वो सारे रिकॉर्ड हैं जिसमें मिस्टर अभय त्रिपाठी के गुस्से में होस्ट खो देने के कारण उन पर रिपोर्ट हुई है। मैं अपनी इस बात को साबित करने के लिए सीनियर इंस्पेक्टर किरण माथुर को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि जो भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। इंस्पेक्टर माथुर, क्या आप मिस्टर अभय त्रिपाठी को पहले से जानती हैं? मेरी मुलाकात इनसे हो चुकी है पुलिस स्टेशन में। क्यों? अभय त्रिपाठी ने एक मंत्री जी की गाड़ी को टक्कर मारी थी और फिर बाद में पुलिस स्टेशन में आकर अपना सारा गुस्सा निकाल रहे थे। झूठ! ऑर्डर ऑर्डर! मिस्टर अभय त्रिपाठी, आप बीच में ऐसे नहीं बोल सकते। जिस तरीके से इनका गुस्सा निकल रहा था ऐसा लग रहा था कि पूरे पुलिस स्टेशन को जलाकर राख कर देंगे। सर, झूठ बोल रही है ये, और कितना झूठ बोलेंगे आप मुझे फंसाने के लिए? ऑर्डर ऑर्डर! देख रहे हैं जज साहब, ये अपने खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ये अपने इस गुस्से की हालत में किसी भी हद तक जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मेरे पति के गुस्से का फायदा उठाया जा रहा है सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए। गोली उन्होंने चलाई ही नहीं है। गोली इन्होंने ही चलाई है। अभी तक इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं और सिर्फ इनके कह देने से ये साबित नहीं होता मेरे क्लाइंट मिस्टर अभय ने गोली चलाई। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है जज साहब। मैं अपनी इस बात को साबित करने के लिए मिस्टर अभय त्रिपाठी के पिता मिस्टर अनुज त्रिपाठी को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा और कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर अनुज त्रिपाठी जी, मैं आपसे एक सीधा साधा सा सवाल करना चाहता हूँ। क्या ये बात सही है कि आपके बेटे अभय त्रिपाठी अक्सर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया करते हैं? हर मियां बीवी में झगड़े होते हैं, बहन भाई में झगड़े होते हैं, भाई भाई में झगड़े होते हैं, ये कैसे सवाल हुआ? ठीक है, इस बात को थोड़ा गहराई से समझ। क्या यह बात सच है कि आपके बेटे अभय त्रिपाठी अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा किया करते, उनकी बात बात पर उनके ऊपर ताना मारते, बाहर वालों के सामने उनका अपमान किया करते? क्या आपने कभी अपने बेटे को समझाने की कोशिश नहीं की? ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। वैसे श्रद्धा त्रिपाठी, मैं मिस्टर अनुज जी से सवाल कर रहा हूँ, प्लीज आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। अनुज जी, आपने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई है सच बोलने की, बोलिए सच क्या है? हाँ, लेकिन ये सवाल सही नहीं है। अच्छा, क्या ये बात सही नहीं है कि आपके बेटे को अपने गुस्से के कारण पुलिस कस्टडी में एक रात गुजारनी पड़ी थी और उनको छुड़ाने के लिए आपको जाना पड़ा था? ये पूरा सच नहीं है। हाँ या ना मिस्टर त्रिपाठी? हाँ, लेकिन उस वक्त हालात अलग थे। क्या ये बात सही नहीं है कि आपके बेटे को अपने गुस्से के कारण जेल जाना पड़ा था? हाँ या ना मिस्टर त्रिपाठी? आ गया था। थैंक यू मिस्टर त्रिपाठी, आप जा सकते। जज साहब, एक बाप को अपने बेटे के गुस्से को संभालने में सालों लगे लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। इनको अपने गुस्से के कारण कई बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े। इसका मतलब तो ये है इनको गुस्से की बीमारी है। जिस बीमारी के चलते ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। क्यों ना? अबे ऐसे आदमी बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह से ये उन्हें दिखा रहे हैं। आप बीच में ऐसे नहीं बोल सकते। जज साहब, मेरे पास और भी गवाह, मैं अपनी अगली गवाह
मिस्टर राज सिंघानिया की वाइफ रागिनी सिंघानिया को बुलाना चाहता हूँ। थैंक यू सर। मिसेज रागिनी सिंघानिया, आप अदालत को ये बताइए कि जब आप पहली बार त्रिपाठी हाउस गई थी तो आपने वहाँ क्या देखा? अभय श्रद्धा को उसकी क्लाउड किचन के काम को लेकर ताने दे रहा था, ऐसे जैसे श्रद्धा को कोई बिजनेस का सेंस ही ना हो और उसे सिर्फ किचन के काम ही आते। हमारी यहाँ की औरतें तो किचन में ही खुश रहती हैं। अब आप नहीं बोलेंगे अभय जी, ये भी झूठ है। क्या बातों को तोड़ मरोड़ के ही बोला? That's all my lord. Thank you, Mr. Gania. आप जा सकते। सर, सर यहाँ कुछ भी सीधा नहीं पूछा जा रहा है, आधी अधूरी बातें हो रही हैं सर, ये पूरा सच नहीं है सर। सच सच होता है मिस्टर बेदर पार्टी, आधा या पूरा नहीं होता। सच तो ये है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आप अपने गुस्से की वजह से पहले जेल जा चुके हैं, आप अपने गुस्से की वजह से अपनी बीवी से लड़ाई करते हैं। बोलिए सच है या नहीं? सच ये है कि बातों को घुमा फिरा के मुझे फंसाया जा रहा है, ये है सच। सच ये है कि सच्चाई को सामने लाया नहीं जा रहा है। सच ये है कि बातों की हेरा फेरी करके नई कहानी बुनी जा रही है। मिस्टर अभय, आप अपने गुस्से पर काबू कीजिए वरना इसे अदालत की तोहिन समझी जाएगी। योर ऑनर, अभय ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, जैसा उन्हें दिखाया जा रहा है वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो एक आदर्श बेटे हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे पिता हैं और एक वफादार पति। हमारे पूरे परिवार को इन पर गर्व है। ये निर्दोष है योर ऑनर, हमारा बेटा किसी की जान नहीं ले सकता। जज साहब, मिसेस त्रिपाठी, ये अदालत है, यहाँ बिना इजाजत कोई भी ऐसे खड़े होकर कुछ भी नहीं बोल सकता। आप लोग अदालत की मर्यादा को मत भूलिए, आखिरी सुनवाई कल होगी। मेरे पास वक्त नहीं है, किसी भी हालत में मुझे अभय के लिए कल तक सबूत लाना ही होगा। कल की सुनवाई में अभय की रिहाई करवानी ही होगी। तनुजा जी, क्या हुआ? ने अपने तरह से कोशिश कर रहे हमें को छुड़ाने के लिए, पर हमें पता है कि हमें क्या करना है, इसलिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे माता रानी की कसम। उन्होंने किसी को नहीं मारा, वो जल्दी घर वापस आएंगे। पर कैसे वापस लाऊं उन्हें?
तनुजा जी, भाभी, तनुजा जी, अभय हमारे भी बेटे हैं। अब जब तक वो वापस लौट कर नहीं आ जाएंगे, तब तक हम ये अखंड पाठ रुके नहीं देंगे। देखा ना, उसी वक्त मैं समझ गई थी कि राज को तुम ही ने मारा है, इसीलिए मैंने असली सबूत ढूंढा। ये वही गन है ना जिससे तुमने राज को मारा? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।